आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी राहुल कमल ने बातचीत की है विवेक ओबराय से, जो अयोध्या नगरी पहुंचे हुए हैं। उनकी क्या भावना है श्री राम को लेकर, अयोध्या नगरी को लेकर, सुनिए। जितने भी लोग इस वक्त अयोध्या में हैं, हर को कहीं ना कहीं यह महसूस हो रहा है कि बहुत ही एक स्पेशल मौका है उनकी ज़िंदगी में कि भगवान राम ने और इस ट्रस्ट ने इन्हें बुलाया है यहाँ पर इतनी ऐतिहासिक चीज़ अपनी आंखों से देखने के लिए। विवेक और प्रय उनमें से एक है। विवेक, कैसे आपका यहाँ पर आना हुआ और कितना स्पेशल है आपके लिए वो? सबसे पहले तो शुरुआत करते ही हमें कहना पड़ेगा जय श्री राम। मुझे काफ़ी समय पहले बताया गया, पिछले महीने ही बताया गया कि आपको आना है, ये समय आपको रखना है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आई थिंक इट वॉज अ मैटर ऑफ ह्यूज ऑनर, क्योंकि एक ऐतिहासिक क्षण है ये, और पिताजी को भी आना था, लेकिन आई थिंक अभी वो पूरे परिवार के साथ बच्चों बच्चों को साथ में आएंगे, और मैं अभी पहल रखने के लिए आया हूँ। यहाँ पर आने के बाद दो चीज़ें ऐसे अनुभव की जो लगा नहीं कि इट विल बी लाइक दिस, है ना। क्या लगा ऐसा? तो पहले तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था, तो ऐसे लगा कि थोड़ा डर डर के आए कि केओस होगा, लेकिन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था, प्रशासन ने बहुत काम किया कंसिडरिंग जितने लोग आ रहे हैं वैसे, और संगठन के जो लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सबको मैनेज किया। लेकिन रिवर्स ये हुआ कि जहाँ जाओ, जैसे मैं सरयू नदी के किनारे गया हुआ था, तो जहाँ जाओ, हालांकि 20 पुलिस वाले थे, यूपी पुलिस के 20 लोग थे, 10 इस तरफ 10 इस तरफ, फिर भी जो एक ऊर्जा, जो एक उत्साह, एक उत्सुकता, एक पागल जैसी एनर्जी है, मतलब एक भक्ति में लोग, पता नहीं क्या कहूँ मैं, आई डोंट यूज द रॉन्ग वर्ड, बट भक्ति का एक हाई है, एक किक है, और लोग उसमें झूम रहे हैं बिल्कुल, और जहाँ जाओ जय श्री राम, और पता है कि ना गले से बोल रहे हैं ना दिल से बोल रहे हैं, बिल्कुल आत्मा से बोल रहे हैं जय श्री राम।